हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज पटियाला सलवार। और इसमें हम बताएंगे कटिंग एंड स्टिचिंग। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पर पटियाला के बारे में बताऊँगी। हम यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसी तरीके से, यहाँ पर मैंने 3 मीटर कपड़ा ले लिया है। और इसको लेने के बाद ये मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। उसके बाद हमने ये 40 इंच की काटनी है, 40 पर काट लिया है बिल्कुल, 6 इंच ऊपर छोड़ने के बाद। और इसको हम बराबर का निशान लगा लेंगे दोनों साइड, और लगाने के बाद इसको हम काट देंगे। और ये काटने के बाद हम लेंगे 6.5। 6.5 के बाद हम इसमें थोड़ा ट्रायंगल वाला शेप दे देंगे। और इस ट्रायंगल शेप से लेके यहाँ तक हम नाप लेंगे, ताकि हम कलियाँ काट सकें। कलियाँ ट्रायंगल शेप की तरफ के नाप से ही काटी जाती हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे 2 लेयर कपड़ा ये बिछा लिया है, एकदम रख लिया है। और रखने के बाद यहाँ पे 9 इंच ले लेंगे। यहाँ पर देखिए जो 35 इंच आ रहा था वो ले लिया, और 35 इंच के बाद वो 9 इंच ले लिया है। और 9 इंच के बाद हमने ये दोनों साइड लगाने के बाद ये तिकोना लगा दिया है। और लगाने के बाद हमने ये काट लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये है कली। देखिए ये हमने यहाँ पर कलियाँ काट ली हैं। और काटने के बाद हमने यहाँ पर बेल्ट काट ली है। बेल्ट हमने 8 इंच की काटी है दोस्तों, 6 इंच ऊपर छोड़ के काटा था हमने मेन पार्ट। और यहाँ हमने बेल्ट को भी तैयार कर लिया है। बेल्ट को तैयार करने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे हम मेन पार्ट्स को। अब देखिए, ये हमने यहाँ पे फोम लिया, और फोम वाली हम आपको पोंचे बनाना भी बताएंगे इसी में। दोस्तों देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और यहाँ पर हमने दोनों जो पार्ट्स हैं मैन वो उठा लिए, उनमें से एक लेंगे और 2.5 इंच का वो बनाएंगे हम पोंचा। और ये हमने पहले से ही पोंचे के लिए कपड़ा काट के रखा था, तो हमने वो ले लिया है। अब हम इस पर अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद दोस्तों देखिए, एकदम आराम आराम से, थोड़ा सिल्क का कपड़ा है ना, शैंटून तो खिसकता ज़्यादा है। सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर। सिलाई लग चुकी है, और हमने यहाँ पर उसको पक्का भी कर लिया है। और पक्का करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको निकाल लिया है। और निकालने के बाद हम यहाँ रखेंगे फोम। फोम को रखने के बाद ये देखिए, बिल्कुल ऐसे रखना, क्योंकि ये खिसकता भी बहुत है। फोम है तो खिसकेगा ही, और सिल्क का कपड़ा भी है, तो इसको बहुत ही उससे रखा जाएगा, ध्यान से किया जाएगा इसको, ताकि इधर उधर ना खिसके। यहाँ पर हम इसको ऐसे इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई बहुत ही आराम तरीके से लगाना दोस्तों, ताकि इधर उधर खिसके ना। इधर देखिए, इधर बिल्कुल जहाँ स्टिचिंग हो रखी है वहीं पॉइंट तक आना है। और आने के बाद फिर ये हमने देखिए यहाँ लगा लिया है। लगाने के बाद हम इस पर सिलाई मार लेंगे अंदर की साइड फोल्ड करने करके। अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद देखिए, एकदम अच्छे से तरीके से देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से
यहाँ पर हम पोंचे में डिज़ाइन बना लेंगे, जैसा आपको आता है वैसा बना लीजिए दोस्तों, या फिर ड्रॉ कर लीजिए पहले ही। और यहाँ मैंने पूरी तरीके से बना लिया है, सिंपल सा डिज़ाइन है दोनों में, दोनों पोंचे मेरे तैयार हैं। और तैयार होने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ कलियाँ टेस्ट कर रही हूँ, कलियाँ टेस्ट कर, देखिए यहाँ मैंने कलियाँ टेस्ट कर ली है दोस्तों। और यहाँ कलियाँ टेस्ट देखिए सारी कर ली हैं, देखिए ये देखिए। हम यहाँ पर बैक साइड की प्लेट्स लगाएंगे, बैक में भी प्लेट डाली जाती है, तो हम वही प्लेट डाल रहे हैं। दोनों तरफ साइड से हम दो दो इंच तक का वो लेंगे कपड़ा। और देखिए दोस्तों यहाँ हमने प्लेट्स डाल ली हैं बैक साइड की, इतना प्यारा लग रहा है ना देखने में भी। और यहाँ हमने आगे की भी डाल ली है एक एक इंच पर सारी। और यहाँ हम बेल्ट के अनुसार हमने ये पूरा घेरा तैयार कर लिया है, और इसको भी हम अटैच कर देंगे, देखिए अटैच करने के बाद। दोस्तों वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और ये देखिए हम यहाँ पर फाइनल लुक मेरी सलवार का